Ladies and gentlemen, as proof of the unimaginable possibilities in the Marvel multi-universe, we give you the one person who could play Victor Von Doom. इस अनाउंसमेंट ने पूरी पॉप कल्चर कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था और सोचने में भी मजबूर कर दिया। हेलो ह्यूमंस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे और आज मैं आप सभी को मेरे व्यूज शेयर करूंगा अबाउट रॉबर्ट डॉनी जूनियर कमिंग बैक इनटू एमसीयू एज डॉक्टर डूम। बट उससे पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा और अगर नहीं भी किया हो तो वीडियो देखने के बाद जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं। आरडीजे को एमसीयू में लाना एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है स्टोरी लाइन में। एज वी ऑल नो कि पहले ऐसे प्लान्स थे कि इस मल्टीवर्स सागा का बिग डैडी जोनाथन मेजर्स का कैंग द कॉन्करर होगा, बट ड्यू टू हिज प्रीवियस एलिगेशंस उन्हें एक साल की जेल हो गई। अब यहाँ पर मार्वल के पास दो रास्ते थे, पहला कैंग को रिकास्ट कर दो या दूसरा मूव ऑन फ्रॉम दिस शिट, एंड दे चोज टू गो विद द सेकंड ऑप्शन। और हमें कुछ दिन पहले यह अनाउंसमेंट मिलती है कि एवेंजर्स 5 कैंग डायनेस्टी को रीनेम करके एवेंजर्स डूम्सडे कर दिया है एंड आरडीजे विल प्ले डॉक्टर डूम एंड दिस मूवीज विल बी डायरेक्टेड बाय नन अदर देन द रूसो ब्रदर्स। ये वही डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हमें विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम जैसी बड़ी फिल्म्स दी एंड दे हैव द पोटेंशियल टू मेक डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स अ फकिंग मास्टरपीस। बट क्या ये इतना आसान है? फक नो। वाज कास्टिंग आरडीजे एज डॉक्टर डूम वाज द राइट चॉइस? फ्रॉम 2008 टू 2019 आरडीजे ने पूरे एमसीयू को शेप किया है into the cinematic universe that we all love today. His portrayal as Tony Stark was top-notch. हम यही मानने लगे थे कि RDJ in real life में Tony Stark है, just because how good he plays that character. But after his character sacrifice in Endgame, हमें लगा कि RDJ अब Marvel में return नहीं करेंगे. And to be honest, उनके character को एक perfect send-off भी मिल गया था. But अगर हम इन कुछ सालों की बात करें, Marvel is not going well. Thor Love and Thunder, She-Hulk, Miss Marvel, Echo, Eternals और ऐसी कई प्रोजेक्ट से जिन्हें ऑडियंस ने पसंद नहीं किया ड्यू टू पुअर डायरेक्शन एंड राइटिंग। और फिर मार्वल एक बड़ा रिस्क ले लेता है बाय कास्टिंग आरडीजे एज डॉक्टर फ्रीकिंग डूम। अब मैं जानता हूँ बहुत लोग मुझे जज करेंगे कि भाई तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों है, द रियल मार्वल जीसस सॉरी वेड रॉबर्ट डॉनी फकिंग जूनियर इज बैक। एंड गाइस आई गेट इट, जब मैंने पहली बार ये न्यूज़ सुनी तो मैं भी खुशी से पागल हो रहा था, पर जब हम इसके बारे में ढंग से सोचें इट कैन लीड टू ह्यूज प्रॉब्लम्स इफ नॉट डन राइट। मैं रूसो ब्रदर्स के डायरेक्शन या आरडीजे की एक्टिंग पर शक नहीं कर रहा, व्हाट आई वांट टू से इज अगर मार्वल से कुछ भी ऊपर नीचे हुआ देन इट्स गेम ओवर फॉर देम। वो एक ऐसा रिस्क ले रहे हैं जिसका रिजल्ट परफेक्ट होना ही होगा। इफ द थिंग्स वेंट आउट ऑफ द हैंड्स दे वुड हैव बीन रुइंड आरडीजे टोनी स्टार्क एंड डॉक्टर डूम्स कैरेक्टर आर्क इन दिस अपकमिंग ईयर्स। व्हाट वुड बी माय सजेशंस टू देम? टेक एज मच टाइम एज यू वांट केविन फाइगी, हमें कोई जल्दी नहीं है एवेंजर्स लेवल की मूवीज देखने में इफ इट्स नॉट डन राइट। इट हैज टू बी राइट मार्वल, इट हैज टू बी और एल्स देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम इट। देन दूसरे स्टूडियो से कम्पीट करने जाओगे तो हार ही जाओगे। वी ऑल नो वॉट हैपन विथ DCEU। तो ये कुछ मेरे व्यूज थे ये अनाउंसमेंट को लेकर एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट्स बिलो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और नहीं भी आए हो तो नो वरीज, मैं आने वाले वीडियोस में इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।